जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो दिल से धन्यवाद, जो मुझे हेट करते हैं उनके लिए भी बहुत सारा प्यार। मैं तो यही कहूंगा कि यार सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और बहुत आगे बढ़ो। आज की डेट में जो मोबाइल वाली मार्केट है ना, ये बिल्कुल सब्जी मंडी हो चुकी है। अब ये समझ में नहीं आता कि यार कौन सा यहाँ पर मटर पनीर है, कौन सा बंद गोभी है, कौन सा मशरूम है। अब हमारे सर का दर्द तो बहुत ज्यादा हो चुका है। रियलमी, शाओमी, सैमसंग, वीवो, ओप्पो सारे के सारे आपस में भिड़े पड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बेल्ट फोन अंडर 15,000 के बारे में बताया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा ना, तो कृपया करके यार आप उस वीडियो को देख लीजिए जहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे वहां पर ये डिमांड करी, यार जब आपने 15,000 वाले फोन के बारे में बता दिया तो यार आप 10,000 वाले फोन के बारे में भी बता दो। जब आपने कहा तो यार आपकी बात तो माननी पड़ेगी। आज मैं आपको 6 ऐसे फोन के बारे में बताने वाला हूं जो अंडर 10,000 बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। हमारी लिस्ट पे जो छठवां फोन है ना, वो नोकिया के फैंस के लिए बड़ा खास है। ये फोन थोड़े दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था। ये नोकिया का 6.1 प्लस। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भैया ये तो फोन बहुत पुराना है। हाँ यार ये फोन बहुत पुराना है, लेकिन आज की डेट में यार नोकिया जिनको लेना है उनके लिए ये फोन बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पुराना वाला प्रोसेसर मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 636, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये बुरा नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको पीछे की तरफ डबल कैमरा मिल जाता है 16+5 मेगापिक्सल का, आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बस यार यहाँ पर आपको छोटी सी बैटरी मिलती है 3060 mAh की, और साथ में बड़ी सी यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिल जाती है। ये नॉच नहीं है, ये तो है नौचा। अब यार जिनको बड़ी सी बैटरी चाहिए और यार जिनको केवल और केवल सैमसंग और नोकिया का फोन चाहिए, तो यार जो पचवा फोन है ना वो बड़ा खास है। यह सैमसंग का गैलेक्सी M30। ये फोन भी थोड़ा सा पुराना हो चुका है। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है एक्सिनोस का 7904। ये भी बुरा वाला प्रोसेसर नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको कैमरा मिलता है वो मिलता है 13+5+5 मेगापिक्सल का, और यार यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। नोकिया के फोन में आपको छोटी सी बैटरी मिलती है, यहाँ पर आपको बड़ी भारी बैटरी मिलती है। ये फोन भी लिया जा सकता है। बस यार जिन लोगों को बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि यार आगे और भी फोन आने वाले हैं जहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी अंडर 10,000 और भी अच्छी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं चौथे फोन के बारे में। चौथा जो फोन है वो है वीवो फैंस के लिए, जो वीवो का U20 है। इस फोन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यार बैंक ऑफर लगाने के बाद यदि आपको वीवो का U20 मिल जाता है ना, तो आप इस फोन को ले सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 675। उसके साथ साथ यहां पर आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाता है। यहां पर आपको 16+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसके साथ साथ इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो डिस्प्ले है, वो भी आपको निराश नहीं करेगी। मेरे हिसाब से ये फोन भी लिया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते तीसरे फोन के बारे में। जो तीसरे नंबर का फोन है ना, वो है Realme का 3 Pro। ये फोन भी थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन यार यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिलता है वो बड़ा अच्छा है। वो है स्नैपड्रैगन का 710। यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है वो मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का, और यार यहाँ पर जो 16 मेगापिक्सल वाला सेंसर है ये है सोनी का 519। मतलब यार यहाँ पर जो आपकी इमेज क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी आ जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है 25 मेगापिक्सल का, 4045 mAh की बैटरी मिल जाती है, फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये फोन भी लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे और नंबर 1 फोन के बारे में। दूसरे नंबर में भी Xiaomi है और नंबर 1 में भी Xiaomi है। दूसरे नंबर में मैंने फोन रखा है Redmi का Note 8। ये फोन बिल्ड क्वालिटी के मामले में नो डाउट बहुत ही किलर फोन है।
आगे की तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, पीछे की तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। देखने में भी ये फोन बड़ा ही गजब का है। यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है वो भी काफी धांसू है, 48+8+2 मेगापिक्सल का। बस यार यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर है ये है सैमसंग का GM1। साथ में यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, P2i नैनो कोटिंग मिल जाती है। नो डाउट 10,000 रुपए में बिल्ड क्वालिटी के मामले में, कैमरे के मामले में ये फोन बहुत अच्छा है। लेकिन यार जो नंबर वन वाला फोन है ना, मेरे हिसाब से ये फोन आज की डेट में बहुत ही अच्छा फोन है, ये है रेडमी का नोट 7 प्रो। ये फोन रेडमी के नोट 8 के बहुत पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था। लेकिन यार इस फोन में आपको बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको आगे की तरफ भी गोरिल्ला ग्लास मिलता है, पीछे की तरफ भी गोरिल्ला ग्लास मिलता है, IR ब्लास्टर भी मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको पीछे की तरफ डबल कैमरे मिल जाते हैं, वो है 48+5 मेगापिक्सल का। लेकिन यार जो यहाँ पर आपको सेंसर मिलता है वो सैमसंग का सेंसर नहीं मिलता है, ये मिलता है सोनी का IMX586। साथ में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और यार यहाँ पर आपको जो परफॉर्मिंग प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 675। ये फोन पहले महंगा था लेकिन यार अब सस्ता हो चुका है। मेरे हिसाब से ये है नंबर वन फोन। एक फोन के बारे में मैं और कह सकता हूँ, जिन लोगों को मोटोरोला का फोन चाहिए ना, मोटो का 1 माइक्रो अच्छा खासा फोन है। यहाँ पर आपको यार वो जो सॉफ्टवेयर वाला एक्सपीरियंस है ना वो बड़ा अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यार यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है। अब यार आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से अभी मैंने जितने फोन बताए हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं या बुरे हैं? और आप किसी फोन के बारे में बताना चाहते हैं जो हमारी लिस्ट में होना चाहिए था, वो भी आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो और आपका मन करता है यार ऐसे ही वीडियो देखने का, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे ना तो आपको हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यार जब तक आप ये नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगी। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ही निशुल्क है, और मन करे तो यार शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।